950? Oh God, 10 कब बचेंगे? Not bad, Vikram Sharma, not bad. एक वो दिन था जब तुम इंटरव्यू देने जा रहे थे, और आज वो दिन है जब तुम इंटरव्यू लेने वाले हो. 5-5 डेलीज में हमारा एडवर्टाइजमेंट छपा है. लोग तो आएंगे. और वो कह रही थी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी. फोन सुनते सुनते मेरे कान पक गए. माउथ टू माउथ पब्लिसिटी में ऐसा हो सकता है क्या कभी? हेलो. Oh, it's 10 o'clock. हाँ, 10 बज गए. You can come anytime now. You're welcome. Bye. Excuse me. यहाँ. अच्छा थी आप? Oh, hi. आप? I'm so sorry. मैंने सोचा कोई इंटरव्यू देने आया है. हाँ. मेरा मतलब वो मैं क्या छोड़िए. प्लीज कम बैठिए ना. थैंक्स. विल यू हैव सम कॉफी? नो 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 थैंक्स थैंक्स अ लॉट. कोई खास बात? वेल एक्चुअली विक्की, मुझे पता नहीं था ये तुम्हारी बुटीक है. मैं इंटरव्यू के लिए ही आई थी. आप? ओह ऑफ कोर्स, मैं तो भूल ही गया आप भी डिजाइनर हो. मैं भी भूल गई थी. सो हाउ आर यू? रिया मिली थी. हां वो शी इज इन पेरिस. पेरिस में है. कभी कभार फोन कर लेती है ऋतु. फिर पागल है ना, इसीलिए कई दिनों तक गायब रहती है. और मैं भी एकदम काम छोड़ के घर पे बैठी थी. आई गॉट मैरिड यू नो. तुम तो शादी में भी नहीं आए थे. नहीं नहीं आया था, लेकिन ऐसा लगा कि किसी को मेरा इंतजार ही नहीं था, इसलिए वापस चला आया. खैर छोड़ो ये सब बातें. रिचा जी, टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए आपका इंटरव्यू लेना तो बहुत मुश्किल होगा. विकी, लुक, विकी, मुझे इस काम की जरूरत है. अपनी जाती जिंदगी को इसमें मत लाओ. आई एम अ प्रोफेशनल, ट्रीट मी लाइक वन. ऋतु का गुस्सा मुझ पर मत निकालो विकी, प्लीज. नहीं, मैं किसी का गुस्सा किसी पर नहीं निकाल रहा हूँ. बात वो नहीं, तुम जानते हो ना कि रेवती जी लाइक माई वर्क. तुम्हें पता है ना? जानता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ ना कि 6 महीने से आप घर पे बैठी हुई हैं, काम नहीं कर रही हैं. So what? मैं आप काम करना चाहती हूँ. रिचा जी, please try and understand. You know, मेरे लिए ये नया नया बिजनेस है. I just can't afford to take any sort of risk. और आपको तो पता है, फैशन तो हर रोज बदलता है. Yeah, but I don't believe in fashion. I believe in style. Yeah, but एक चांस देकर देख लो. वन चांस. ऋचा जी, मैं क्या बोलूं आपसे, मेरे पास वो टाइम ही नहीं है कि मैं किसी को भी चांस दूं. यू नो, आई हैव सच प्लान्स, आई एम सो एम्बिशियस. सो व्हाट, इवन आई वाज एम्बिशियस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. सॉरी. ये मेरी डिजाइंस हैं, तुम देख लो इफ यू डोंट माइंड. ऑफ कोर्स. आप ऐसा क्यों नहीं करती, ये मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं इन्हें आराम से देख लूंगा. Yeah, sure. कल सुबह फोन कर लो. मैं फोन करता हूँ ना. एंड ऋषा दी, नो प्रॉमिसेस, ओके? या ऑफ कोर्स, आई अंडरस्टैंड. चलो, आई विल मेक अ मूव. बाय. ओह हेलो, हाय. करण, कोई है? करण, मैं हाईलैंड पार्क मामा के यहाँ गई हूँ, मुझे वहीं से पिकअप कर लेना. लेकिन फ्लैट नंबर. हाय, ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि ये ऑफिस मेरा है या किसी और का. जहाँ तक मुझे याद है ये किसी एक का नहीं, हम दोनों का ही है. तो तुमने ऋचा को इंटरव्यू के लिए बुलाया था. वो तो तुम्हारी रिश्तेदार है, उसमें ऐड देने की क्या जरूरत थी?
फिर ये सारा नाटक क्यों? I mean, 5-5 न्यूज़पेपर्स में ऐड देना, कितना खर्चा हो गया होगा तुम्हारा? बात रिलेटिव की नहीं, टैलेंट की है, एंड रिचा इज टैलेंटेड। ओह यस, तभी तो तुम्हारी अम्मा ने उसे अपॉइंट किया था और फिर बाद में निकाल भी दिया। तुम्हें याद नहीं होगा, तुम्हारी शादी नहीं हुई थी रितु से तब तक, और रिचा रितु की बहन है। You know, this is in really bad taste. मेरी अम्मा, मेरी शादी, ये सब बातें बीच में लाना, this is in sheer bad taste. और अगर बात शादी की हो रही है, let me tell you, madam, राहुल भी हमारे काम के बीच आ रहा है। I'm sorry. अगर जानना चाहती हो तो सुनो, मैंने रिचा को नहीं बुलाया था, वो खुद आई थी अपने आप। न्यूज़पेपर पढ़ने का सबको हक होता है। तो मेरा भी हक है, इस ऑफिस पर मेरा भी हक है, या फिर नहीं है? आमिर, जब रिचा को यहाँ बुलाया गया तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं थी? क्योंकि आपके पास तो इतने सारे काम है ना करने के लिए, शादी के लिए जोड़े सिलवाने हैं, गहने बनवाने हैं, और अब तो ट्रेकिंग पे जाना है, उसकी भी तैयारी करनी है, आपके पास तो वक्त ही नहीं है। मेरे पास वक्त है या नहीं है ये तुमको मुझसे पूछना चाहिए था, एटलीस्ट एक फोन कर लेते मुझे। मैंने किया था फोन, लेकिन एज यूजुअल आप राहुल के साथ घूमने गई हुई थी। तो मैं इसे छोड़ देते, घर आ जाते, मीटिंग कैंसिल कर देते। मैं शहर में थी ना, बाहर तो नहीं गई थी। यस, या फिर तुम बॉस बनना चाहते हो? कुड बी। तो ठीक है, रोज सुबह में आकर तुम्हें सलाम करूंगी। यस बॉस, यही तुम्हारा एम्बिशन है ना? ये जो फ्रेश कैंडिडेट्स आ रहे हैं, इनके इंटरव्यू के लिए क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ, या इसमें भी तुम्हें ऑब्जेक्शन है? मैंने रिचा को सिलेक्ट कर लिया। तुमने रिचा को सिलेक्ट कर लिया? जी हाँ, क्योंकि मुझे जल्दी है और आपको नहीं, इसलिए मैंने रिचा को सिलेक्ट करना जरूरी समझा। बेटा इतनी परेशान मत हो, विक्की जैसा तुम कह रही हो ना, वो इतनी तरक्की कर चुका है, मुझे नहीं लगता वो पर्सनल मामलों को बीच में लाएगा। मामा, मुझे अपने आप पर ही भरोसा नहीं है, पिछले 8 महीने से घर पे बैठी हुई हूँ, फैशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, कितनी लड़कियां घूम रही होती हैं ये डिजाइन्स लेकर, और करण को मेरा जॉब इम्पोर्टेंट ही नहीं लगता। देख, करण ऐसा नहीं है कि अपनी बीवी को घर में बंद करके रखेगा। मामा, हर आदमी के पास हथकंडे होते हैं, और करण के पास प्यार का हथकंडा है। मामा, उस घर में आई फील लाइक अ मैनेजर। अनु फ्राइड नाश्ता नहीं खाएगी, करण खाएगा। अनु 8 बजे नहाएगी, करण 9:30 बजे नहाएगा। 8 और 9:30 के बीच बाथरूम बिल्कुल खाली होना चाहिए। अनु ने बहुत सहा है, इसीलिए उसे ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो उसे बुरी लगे, और उसे कौन सी बात बुरी लगे ये तो मुझे पता ही नहीं है। अनु को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, सोचिए और जवाब दीजिए, ये क्विज चल रहा है मेरे घर में। बेटा, ये ठीक बात नहीं है। अरे, अनु को अपनी बहन की तरह समझना। देख, ऋतु और रिया के भी कितने नखरे सहे हैं तूने। सहे हैं मां। फिर मामा, लेकिन करण की तरह आप सिर्फ उन दोनों को तो प्यार नहीं करती ना, मुझे एक दिल बहलाने की चीज तो नहीं समझती। बेटा, क्या हो गया है तुझे? कारण आ गया। मैंने प्रिया से झूठ क्यों बोला? जब रिचा को सिलेक्ट ही नहीं किया तो झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? बात क्या है, हर एक चीज में प्रिया से लड़ने क्यों लगे हुए? हेलो इनर सर्कल। हाँ बोलिए। क्या जल्दी भेजना है? क्यों नहीं, पर डिलीवरी डेट तो पहले से डिसाइड हो गई थी ना। नहीं देखिए, इतने टाइम में तो सिर्फ सांबस तैयार होंगे ना, ऑर्डर कैसे प्रोसेस होगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम आपका काम तो करना ही चाहते हैं। ऑफ कोर्स जी। मामा, करण आ गया, मैं जा रही हूँ। अरे, आने के साथ जाने का क्या संबंध है? क्यों भाई, तुम पुलिस के हवलदार हो क्या? जीते रहो कि तुम्हारे आते ही रिचा हाथ जोड़कर तुम्हारे पीछे पीछे चल दे। चलो आ जाओ, तुम तो रास्ता ही भूल गए, पहले रिचा को लेने आते थे, लेकिन अब रिचा ही नहीं आती तो तुम क्या आओगे? क्या करूं राधा मम्मी, मुझे वक्त ही नहीं मिल पाता है। तुम अचानक यहाँ कैसे चली आई आज? मुसीबत के वक्त माँ की ही याद आती है। क्यों भाई, मैंने तुम्हें आज चाबुक तो नहीं मारे? फिर इंटरव्यू देने गई थी। इंटरव्यू? कैसा इंटरव्यू? नौकरी के लिए, तुम्हें नहीं मालूम?
हाँ ऋचा ने मेरे से बात तो की थी लेकिन मुझे ये नहीं पता कौन लोग हैं। विक्रम रेवती का बेटा, तुम उसके यहाँ नौकरी करोगी? ऋचा तुम पागल हो गई हो? मैं देखती हूँ। ऋचा आज हम जल्दी घर जाएंगे, अन्नू के लिए स्पेशल खाना बनाना, फिर वो कैंप पे चली जाएगी। ऋचा देखो कौन आया है। बेटा अरे अन्नू तू यहाँ कैसे, तुझे एड्रेस कहाँ से मिला? अरे चैन से बैठने दो लड़की को, उसके बाद तुम अपनी पुलिस की कार्रवाई शुरू कर देना। आओ बैठो। ऋचा तो बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी, बैठो बेटा। मैं घर गई थी तो ताला था, मुझे अपना नैपसैक चाहिए था, फिर तुम्हारे लिए ऋचा का ये नोट देखा तो पूछती हुई। तो तुमने इसे बताया नहीं कि तुम यहाँ आ रही हो? नहीं मुझे लगा कि। और तुमने इसे डुप्लीकेट चाबी भी नहीं दी? करण मुझे लगा कि मैं घर पहुंच जाऊंगी अनु के आने से पहले। तो फिर पहुंच जाना चाहिए था। अरे लेकिन बात यह है करण कि ऋचा भी थोड़ी टेंस थी। टेंस? वो उसके भी जॉब के बारे में? एक्सक्यूज मी लेकिन हम घर जाकर बात करेंगे प्लीज करण। बस ना भैया, उन्हें क्या मालूम था कि मैं घर वापस आऊंगी। मैं आपके घर पहली बार आई हूँ आंटी, मुझे कुछ खिलाओगी? नहीं। हाँ जरूर, क्या लोगी बोलो, चाय कॉफी ठंडा, चॉकलेट केक भी है। सो अंकल आप? हाय विकी। हाय, व्हाट अ सरप्राइज। बात क्या है, होप प्रिया इज ओके? क्यों भाई, अगर मेरा कोई काम ना हो तो क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता हूँ? नहीं नहीं, वेल मे आई कम इन? प्लीज आइए आइए। प्रिया मुझे बता रही थी कि तुम कैंप नहीं जा रहे हो, तो मैंने सोचा कि तुम बोर हो रहे होगे, मैं तुम्हें कंपनी दे दूं। सो नाइस ऑफ यू। वेल तो ये है आप लोगों का क्रिएशन। नॉट बैड, आई एम ग्लैड यू लाइक इट। आप तो कभी आए नहीं, मैंने सोचा था इसे डेकोरेट करने के लिए आपसे ही आइडियाज लूंगा। भाई हम तो आर्किटेक्ट है, कोई इंटीरियर डिजाइनर नहीं। हाँ अलबत्ता इधर तुम्हें कोई तोड़ फोड़ करवाना हो तो मुझे बुलवा लेना, हाजिर हो जाऊंगा। ठंडा हो जाए, मजा आ जाएगा। अभी लाता हूं। ये लड़का कितना बदल गया है। Here. Thanks. Welcome. विकी मैं ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूं, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। प्रिया इतनी जिम्मेदार हो जाएगी, काम को लेकर वो इतनी सीरियस हो जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये सब तुम्हारी वजह से है, क्योंकि वो तुम्हारी इतनी तारीफ करती है कि विकी ऐसा है, विकी सो एंथुजियास्टिक, विकी सो हार्ड वर्किंग वगैरह वगैरह। मैंने तो कुछ नहीं किया अंकल, वो खुद बहुत मोटिवेटेड है। इसीलिए तुम यहां हो और वो कैंप गई हुई है। मैं जानता हूं वो क्यों गई है। शी वॉन्टेड अ ब्रेक। राहुल गया है और राहुल ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा। नहीं अंकल, प्रिया का अपना दिमाग है। राहुल तुम्हें कैसा लगता है? जी ही इज फाइन, गुड लुकिंग, वो लोग अमीर भी हैं। विकी तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो? अंकल मैं तुम राहुल के खिलाफ इसलिए नहीं बोलना चाहते क्योंकि वो प्रिया के खिलाफ बेईमानी होगी। प्रिया तुम्हारी बहुत इज्जत करती है, तुम्हें बहुत मानती है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे समझाओ। मैं समझाऊं? हाँ विकी, जिंदगी में प्यार के सिवा और भी जीने की बहुत सारी वजह होती है। तुम दोनों ने इतनी मेहनत की है, इतना बड़ा सेटअप बनाया, इसे बढ़ाना तुम दोनों की जिंदगी की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और राहुल, राहुल की जिंदगी में जो कुछ है उसके परिवार का है, उसका अपना इस जिंदगी में क्या है? अंकल मैं और प्रिया दोस्त हैं, लेकिन प्यार वो तो उसका जाती मामला है, उसमें मेरा दखल देना ठीक नहीं। चाहे वो गलती क्यों ना कर रही हो, राहुल इज अ मिस्टेक और हम उसे ये गलती इसलिए करने दे रहे हैं क्योंकि उसका जाती मामला है। मिसेस सेड इज अ थर्ड रेट वुमन, वो प्रिया से नफरत करती है, उसकी जान तक ले सकती है। विकी आई बेग ऑफ यू, तुम प्रिया को समझाओ कि वो राहुल से शादी ना करे। स्टेटमेंट तो शेड्यूल का कोई टाइम ही नहीं है। इसका मतलब प्रिया नहीं आएगी क्या? ए डट, जाकर फोन कर यार, हम यहाँ सारी जिंदगी तो नहीं रुक सकते ना। अगर नहीं आ रही तो वो फोन कर सकती थी। आया है सर।
पूरा शेड्यूल अपसेट हो जाएगा। अरे चिंता करने की कोई बात नहीं, मेरे में इतनी ताकत है कि मैं शेड्यूल को हिलने नहीं दूंगा। अगर प्रिया नहीं आई तो ये बस यहाँ से नहीं हिलेगी। वीकेंड कैंसिल। ओह नो, आई डोंट बिलीव दिस। पंचुअलिटी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। पता नहीं ये कब आएंगी। तुम लोगों के साथ तो कोई प्रोग्राम बनाना ही नहीं चाहिए। खुद तो गैर जिम्मेदार हो, साथ में मेरा भी नाम खराब करोगे। हाय, हमारी हीरोइन जी आ गई। अगर आप 5 मिनट और नहीं आती ना तो हम भाई लोग का पैकअप हो जाता। आप इतनी लेट क्यों आई? हम पिकनिक पे जा रहे हैं, किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं। चलो शुक्र है सब तो आ गए, बैठे। हाँ, 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 आपके बाद। So is everything okay? Yes. Yes. Are we ready to leave? Yes. पर रस्सी देना यार। कम। Reserve for Sherry. किस्मत की बात है, किस्मत की बात है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। वेरी गुड एडवेंचर। यस इट इज। बस बोला। वेलकम। थैंक यू। आइए। हाय प्रिया। राहुल कहाँ बैठी? बैक सीट पर। Excuse us. Good. Bingo. तुम यहाँ बैठोगे? हाँ, the view on this side of the road is better. Viva. Hey Viva. उसे अपने पास वाली सीट पर बैठने के लिए कहना. Best of luck. Oops. कहाँ बैठे? अरे यार बोल ना। अच्छा? काश विक्की होता तो मैं उसके साथ बैठता। हो सकता है मैं उसके साथ बैठती। मम्मी ने कहा है कि मैं किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी के साथ बैठूं। अरे तो तू भी तो रिस्पॉन्सिबल है, बोल ना। मैं एक बार स्विमिंग में फर्स्ट आया था। वाओ ग्रेट, फर्स्ट आया था ना। लेकिन बस तो रोड पे चलेगी, नदी पे नहीं। स्टॉप इट। Certain call and the world must come. Ash, मैं वहाँ पर बैठूंगी। यार baby, मैंने इतने मुश्किल से इस window को ठीक किया है। मैं छोटी हूँ। I have the right to sit next to the window. तो क्या हुआ? Ash, तुमने तो मम्मी से वादा किया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। अच्छा, अगर तुम window के सामने नहीं बैठोगे तो मैं ख्याल नहीं रख पाऊंगा? नहीं। नहीं? अच्छा, तो आइए बैठो। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी कंपनी का पहला ट्रिप है। होप यू ऑल एंजॉय इट। लेट्स कोऑपरेट विद ईच अदर एंड मेक इट अ ग्रेट सक्सेस। थैंक यू। अरे यार तेरे पास वो तिरड़ा तिरड़ा की कैसेट है क्या? समझा नहीं? नहीं नहीं होगी फिर। Hi. Hi. I'm Rahul Seth. I'm Anushka. Thank you.